नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हमेशा इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं कि भारत के कुछ इलाकों में हिंदुओं के लिए रहना मुश्किल होता जा रहा है और ये इलाके मिनी पाकिस्तान के नाम से कुख्यात होते जा रहे हैं। जिन इलाकों में मुस्लिमों की आबादी बहुसंख्यक होती है वहां गैर मुस्लिम पर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। उनका या तो जबरन धर्मांतरण करा दिया जाता है या फिर उन्हें इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। देश के कई शहरों में ऐसे इलाके मौजूद हैं। मुंबई के ऐसे ही एक मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके से जो खबर आई है वो इस बात की तस्दीक करती हुई दिख रही है। थाने के बाहर और थाने में नारेबाजी करते हुए ये लोग हिंदू संगठन से जुड़े हैं। ये विश्व हिंदू परिषद के 3 नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि मालवणी में विहिप नेताओं में राम मंदिर निर्माण निधि अभियान के लिए पोस्टर लगाए थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस वहां पहुंची। उसने भगवान राम के पोस्टरों को फाड़ डाला और विरोध करने पर बीएचपी के ही 3 कार्यकर्ताओं पर केस लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद अभियान चला रहा है, जिसके तहत लोगों से चंदा मांगा जा रहा है। तो वहीं ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक उन्हें एक वीएसपी कार्यकर्ता ने जानकारी दी कि जब वीएचपी कार्यकर्ता चंदा मांगकर लौट रहे थे तब उन्होंने मुंबई पुलिस को पोस्टर फाड़ते हुए देखा। पुलिस पोस्टरों को एक एक करके हटा रही थी। विहिप नेताओं ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया। मुंबई पुलिस ने जब देखा कि उनकी हरकतों का मोबाइल में कैमरे में कैद हो रही है तो उनमें से एक अधिकारी ने उसका विरोध किया और विहिप नेता की पिटाई करनी शुरू कर दी और 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और इसके बाद उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं इसकी सूचना जब संघ विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिली तो वो थाने पहुंचे और वहीं धरना पर बैठ गए और उन्होंने 3 को छोड़ने की मांग करने लगे। शनिवार सुबह के 4 बजे एसीपी मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि 3 विहिप नेताओं के खिलाफ तय किए गए आरोप हटाए जाएंगे। उन 3 को थाने से रिहा भी कर दिया गया है। साथ ही जिन पुलिस अधिकारियों और जवानों ने राम मंदिर निधि संकलन के पोस्टर फाड़े थे उनके खिलाफ कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। एसीपी की ओर से यह भी कहा गया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी इस घटना की निंदा करते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मालवणी परिस्थिति आए दिन गंभीर होती जा रही है और यहां पर प्रभु श्री राम के पोस्टर लगाना अपराध सा माना जा रहा है। जब मुंबई पुलिस ने इस घटना को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर के ये पोस्टर विवादित थे और इससे स्थानीय लोगों की भावनाएं भड़क रही थी। साथ ही ये भी बताया गया है कि उन्हें ऊपर से आदेश मिले थे कि राम मंदिर के सभी समर्पण निधि के पोस्टरों को हटाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि मलवणी मुंबई का एक मुस्लिम बहुल इलाका है। हाल ही में खबर आई थी कि मलवणी में मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदुओं को लगातार डराया और धमकाया जा रहा है ताकि वो अपने घर जमीन को छोड़कर वहां से भाग जाए। एक समय में इस इलाके में 100 से ज्यादा हिंदू परिवार रहा करते थे, लेकिन अब हिंदू परिवारों की संख्या 8 से 10 रह गई है और वो भी बहुसंख्यक आबादी के बीच से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके के मुस्लिम उपद्रवियों और कट्टरपंथियों को स्थानीय कांग्रेस नेता और महाविकास अघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख का संरक्षण मिला हुआ है। उनके संरक्षण में ही यहां से हिंदुओं का सफाया किया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि उन्हीं के दबाव के बाद पुलिस इन पोस्टरों को हटाने के लिए वहां पहुंची थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे वीके न्यूज। धन्यवाद।